मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किसी को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा, किसी को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। मेरे दोस्तों, मुझे अपने आप को कांग्रेस की तरफ यानी प्रमोद जी की तरफ मोड़ना इसलिए पड़ा कि जिस किश्ती में मैं बैठा था वो किश्ती डूबने वाली है। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किसी को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। आज कह के जा रहा हूं, चुनाव के बाद देख लीजिएगा, सबसे पहले एक विशेष समुदाय को कहा जाएगा कि हमको वोट नहीं दिया, हमको वोट नहीं दिया, उन्हें कोसा जाएगा। और एक हफ्ते के बाद किसकी गोद में जाके बैठेंगी आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे, हमने देखा। अभी जिस समुदाय को कोसा जाएगा चुनाव के बाद, अभी उस समुदाय से बड़ा प्यार है। नाम लेकर के कहा जाता है फला जाति के लोग, जबकि आयोग ने मना कर रखा है। आज उस समुदाय से बड़ा प्यार है और हर चुनाव में प्यार रहता है, और जैसे चुनाव खत्म होता है प्यार की जगह दुश्मनी में बदल जाता है। एक नहीं, मेरे पास हजारों सबूत है, वीडियोग्राफी है, और जितना मैं जानता हूं उनको, जिनको मानिया बहन जी को मानिया लगा रहा हूं, जितना मैं जानता हूं बहन जी को, शायद बहन जी भी अपने आप को नहीं जानती। शायद बहन जी अपने आप को भी नहीं जानती। मैं तो सम्मान से नाम ले रहा हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं कह के जाता हूं, चुनाव के बाद जो होना है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए मैं ये कहता हूं, हमारे सामने दो रास्ते बहुत से, जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, अभी तो हम सब तैयार हैं, जैसे चुनाव तय नजदीक आएगा वोट पड़ने के एक दो दिन पहले पर्चे बढ़ जाएंगे, सब सारा धार्मिक स्थल से ये बयान दिए गया, मैं मंदिर मस्जिद का नाम नहीं ले सकता, चुनाव आचार संहिता से बंधा हुआ, इसलिए फला धार्मिक स्थल से ये बयान दिया गया, ये फतवा दिया गया, फला जगह दी गए हुआ, पर्चे बटेंगे आपको गुमराह करने के लिए, पर्चे बटेंगे। मेरे साथियों, आज मैं कह के जाता हूँ, अफवाहों में मत आइएगा, गुमराह मत होइएगा, वरना फिर बाद में रोइए पछताइए। हम चुनाव के बाद पछताते हैं। मेरे दोस्तों, मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने, हम चुनाव के बाद पछताते हैं। भाई, ऐसी गलती मत कीजिएगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात कह के जा रहा हूँ, जो खास तौर पे भाजपा के विरोधी हैं उनसे कह के जा रहा हूँ, जाति का नाम मैं नहीं रह सकता, सब समझदार है, भाजपा के विरोधियों से कह के जा रहा हूँ, या तो राजकुमारी रत्ना जी को वोट दे दो या भाजपा को वोट दे दो, कैसा खास काम का पकड़ना, किसी और को वोट देने का मतलब अभी तो टिकट बिक रहे हैं, फिर जिसको सपोर्ट दिया जाएगा फिर बेचे जाओगे आप। जब तक गठबंधन नहीं हुआ था तब तक दलित भी था, और जब गठबंधन नहीं हुआ जब तक तो 5 करोड़ 10 करोड़ ज्यादा से ज्यादा था, और जैसे गठबंधन हो गया तो हम भी शामिल हो गए, अब 25 करोड़ 30 करोड़ रेट हो गए, यानी हमें बेचा जा रहा है, हमको आपको बेचा जा रहा है। ये पैसे लेके टिकट देने का मतलब क्या है? अभी को बेचा जा रहा है, आपको बेचा जा रहा है, अरे हम जानवर हो गए, बिकते तो जानवर है ना, क्या मतलब है भाई गठबंधन को वोट देने का? आप लोग समझदार लोग हैं, आज मैं अपने लोगों से कह के जाता हूँ, मेरे यहाँ अपने सारे खड़े हैं और दूसरे भी अपने समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पर आपको जाना है कलकत्ता, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ से कलकत्ता कोई ट्रेन जाती है कि नहीं जाती, मिसाल के तौर पे आपको जाना है कलकत्ता, आपने टिकट ले लिया कलकत्ता का रेलगाड़ी का,
ट्रेन का और आ गई दिल्ली की गाड़ी, जाना है कलकत्ता, टिकट दिया कलकत्ता का, बैठ गए, आ गई गाड़ी दिल्ली की, बैठ गई दिल्ली की गाड़ी में, दो मामला शुरू कर दिया, या अल्लाह कलकत्ता पहुंचा दे, अपने हबीब के सदके में पहुंचा दे, गौर पाक के वसीले से पहुंचा दे, सारे सदके लगा डाले, सारी दिल्ली गाड़ी जा रही, जाना कलकत्ता, टिकट कलकत्ता के लिए, अल्लाह ताला कलकत्ता पहुंचा दे। कहाँ पहुंचोगे भाई, कहाँ पहुंचोगे आप, ना ना तो दिल्ली पहुंचोगे ना कलकत्ता पहुंचोगे, आपका टिकट गलत है, बीच में गिरा टिकट पकड़ जाओगे, बीच में गिरा टिकट पकड़ जाओगे। आज फिर मैं कह के जा रहा हूँ, हम बराबर गलत ट्रेन पे बैठ रहे हैं सही टिकट लेकर के, और बराबर मेरा टिकट पकड़े जा रहे हैं भाई मेरे, फिर गलत ट्रेन पे गठबंधन की ट्रेन पर बैठ जा रहा भाई, समझ लो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, वरना बाद में अपने आप को मत पोसना कि हाय अल्लाह हम क्या करें, अल्लाह ने ईश्वर ने भगवान ने आपको समय दिया है, आप उस समय का सदुपयोग करो, आप उस समय का सदुपयोग करो मेरे भाई। जहाँ तक हमारे भतीजे राम सिंह जी का मामला है, इनके पिताजी बांदा से चुनाव लड़ रहे हैं, चित्रकूट बांदा, चित्रकूट को आप जानते हैं कि मैं खुद भी बांदा में रहा हूँ, निश्चित है चित्रकूट बांदा।